हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जैसा कि हमने पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो भी प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो डिवाइसेस के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उनका सीएलआई ओपन हो जाता है। तो लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि रियल डिवाइसेस का हमने सीएलआई एक्सेस लेना हो तो वो कैसे हम लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि हम डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये केबल है, इसका नाम है कंसोल केबल, जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस लेंगे। और इस केबल का यूज क्या होता है, जैसे हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस हो जाता है, लेकिन इस केबल का हम यूज करके अपने रियल डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मान लो आप रियल डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करते हो तो सीएलआई ओपन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको कंसोल केबल का यूज करना होगा और जो हमारे रियल डिवाइसेस है उनके ऊपर पावर केबल आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, देन वो रन होंगे। ओके, तो चलिए मैं एक बार पहले कंसोल केबल लगा देता हूँ। और सबसे पहले हमें जरूरत है उसको पावर लगाने की, तो सबसे पहले मैं पावर केबल लगा देता हूँ, देन कंसोल केबल हम लगाएंगे। डिवाइसेस के ऊपर एक कंसोल पोर्ट होता है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हमने केबल को लगाना होता है, देन आप इस डिवाइस का सीएलआई एक्सेस ले सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पावर केबल है और इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस डिवाइस के ऊपर। तो ये पावर सॉकेट है जिसके ऊपर मैं इस केबल को लगा देता हूँ। देन आप लोगों को एक स्विच दिखाई दे रहा होगा, इस स्विच को ऑन कर देना है। जैसे मैं ऑन करूंगा तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का साउंड सुनाई देगा जो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, और फिर आप लोगों ने डिवाइस का सीएलआई एक्सेस लेना है। तो अब जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे कंसोल पोर्ट है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मेरी उंगली की ओर आप लोगों ने देख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल पोर्ट। ओके, तो अब इस केबल को मैं कंसोल पोर्ट के ऊपर लगा देता हूँ, और कंसोल पोर्ट के ऊपर लगाने के बाद इस केबल को मैं अपने डिवाइस के ऊपर लगा लेता हूँ, मतलब अपने लैपटॉप के ऊपर इंसर्ट कर लेता हूँ, देन आप लोग इस डिवाइस का सीएलआई एक्सेस ले पाओगे। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, पुट्टी एक एप्लीकेशन होता है जो आप लोगों ने अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लेना है, और पुट्टी आप लोगों ने ओपन करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, पुट्टी PUTTY, देन एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, और अब आप लोगों ने सीरियल के ऊपर क्लिक करना है। भाई सीरियल के ऊपर क्लिक क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो यूएसबी पोर्ट है, मतलब जो केबल हम यहाँ पे कंसोल केबल का यूज कर रहे हैं, तो यूएसबी स्लॉट है, तो उसे सीरियल आप कह सकते हो। देन यहाँ पे कॉम आपसे पूछेगा, कॉम पोर्ट। तो कॉम पोर्ट आप कैसे पता करोगे, अपने डिवाइस मैनेजर के ऊपर जाना है, और डिवाइस मैनेजर के ऊपर आने के बाद एक ड्राइवर का एक पोर्ट होता है, तो कॉम LPT यहाँ पे लिखा होगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पोर्ट्स और कॉम LPT इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा जो भी आपके सिस्टम का कॉम पोर्ट होगा। तो मेरा यहाँ पे कॉम पोर्ट जो है 8 है, ठीक है। सीरियल पोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियल कनेक्टर का यूज कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट कॉम 8 दिखा रहा है। तो 1 की जगह मुझे क्या कर देना, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, 1 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। ओके, जैसे मैं 8 कर रहा हूँ, देन मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने मेरे सिस्टम का सीएलआई एक्सेस आ जाएगा। तो अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने सिस्टम का सीएलआई एक्सेस आ रहा है। और फॉन्ट की साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो चेंज फॉन्ट सेटिंग के ऊपर जाता हूँ, और अपीयरेंस के ऊपर जाने के बाद फॉन्ट को थोड़ा सा एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को देखने में थोड़ा विजिबल अच्छा हो, ठीक है। तो अब ये सिस्टम हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है, तो जो रियल डिवाइसेस के ऊपर हम एक्सेस कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर करते थे, एज ए वर्चुअल टूल के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते थे, तो कुछ ये प्रोसेस होता है एज ए रियल डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस लेने के लिए। तो आप लोगों को एक बार में लोडिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमें रियल डिवाइसेस के ऊपर देखने को मिलता है वो किस टाइप का इंटरफेस होता है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, फिजिकल, कॉन्फिग, सीएलआई, एट्रीब्यूट्स, लेकिन रियल डिवाइस पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ओनली फॉर आपको सीएलआई, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है हमारा सिस्टम। तो जैसे इसका लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जो हमें पैकेट ट्रेसर के ऊपर दिखाई देता है, यदि आप लोगों को नहीं पता, हमने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी कवर मैं कर चुका हूँ सीसीएनए के ऊपर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आईपी एड्रेसेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और सिस्टम का सीएलआई हमें पैकेट ट्रेसर के ऊपर किस तरीके का दिखाई देता है। और यदि आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तब भी आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो पहले उन वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, और नो डाउट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, कंटिन्यू आप वीडियोस देखते रहोगे। ओके, तो ये सिस्टम हमारा अभी लोड हो रहा है, तो इसका लोडिंग प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाने देता है, देन इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राउटर का सीएलआई एक्सेस हमारे सामने आ चुका है। जैसा हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक्सेस करते हैं सीएलआई, तो वैसे ही सेम प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे करना है, कुछ इसमें अलग नहीं है। जो एग्जैक्ट जो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो कुछ उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पैकेट ट्रेसर के ऊपर लिखा होता है, वुड यू लाइक टू दिस एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो, तो आपके सामने वही सेम ऑप्शन आपके सामने पूछेगा। तो मैं यहाँ पे नो का सिलेक्शन करता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। ओके, मैं बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगा, ओनली फॉर मैं यहाँ पे सीएलआई एक्सेस लेना बता रहा हूँ कि आप लोग रियल डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस कैसे ले सकते हो।
देन एंटर करता हूँ। अब ये सिस्टम हमारा रियल डिवाइस है, तो थोड़ा इसके ऊपर टाइम लगता है लोडिंग के लिए, ठीक है। देन इनेबल करता हूँ, ओके। देन सेम कॉन्फ़िगरेशन, अब किस इंटरफेस के ऊपर आप आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो पैकेट ट्रेसर के ऊपर तो हमें शो हो जाता है कि भाई कहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कौन से इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहता है। तो इन डिवाइसेस के ऊपर कैसे पता लगेगा, तो आपने जहाँ पे सिस्टम के ऊपर केबल इंसर्ट की है, तो आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आपको केबल को इंसर्ट करना होता है, जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जिस पोर्ट के ऊपर आपने केबल को लगाया है वहीं पे आपको आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना है। तो आपके इंटरफेस का नाम क्या है, तो आप लोग वहाँ पे लिखा होता है पोर्ट का नाम जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर, ओके। तो इंटरफेस का जो नाम है, मान लो इंटरफेस हमारा फास्ट इथरनेट है, गीगाबाइट इथरनेट है, जो भी इंटरफेस का आपका नाम हो वही इंटरफेस आप लोगों ने डालना है। तो इस डिवाइस के ऊपर कौन सा है वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, एग्जिट करके एक बार बाहर आता हूँ, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस वेरीफाई, एंटर किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस का नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1। तो दो इंटरफेसेस इसके ऊपर अवेलेबल है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, जिस भी इंटरफेस के ऊपर मैं आईपी एड्रेस डालना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने केबल को इंसर्ट किया है, तो उस इंटरफेस को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस देन 10.0.0.1, जो भी एड्रेस आप डालना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने नेटवर्क के अंदर जो भी आप सेटअप करने जा रहे हो, ठीक है। तो वो सारी एग्जैक्ट चीजें होंगी। देन नो शटडाउन, इंटरफेस को नो शटडाउन आप लोगों ने कर देना। जैसे नो शटडाउन आप करोगे तो आपका इंटरफेस अप हो जाएगा, ओके। और आप लोगों को एग्जिट करके एक बार मैं दिखा देता हूँ, आईपी एड्रेस यहाँ पे डल चुका है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो जैसे मैंने ब्रीफ किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रियल डिवाइसेस का एक्सेस ले सकते हो, जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लोगों ने कंसोल केबल का यूज करना है, कंसोल केबल को अपने कंसोल पोर्ट के ऊपर लगाना है, जिस भी डिवाइस का आप एक्सेस करने जा रहे हो, स्विच हो या राउटर हो या फायरवॉल हो, तो उनके ऊपर एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट होता है जिसका यूज किया जाता है ओनली फॉर सीएलआई एक्सेस करने के लिए। तो उस पोर्ट के ऊपर उस केबल को लगाओगे, देन पुट्टी का यूज करना है, देन आप उसका एक्सेस कर सकते हो, मतलब सीएलआई एक्सेस कर सकते हो, और जो भी कॉन्फिगरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और एक्स्ट्रा जानेंगे, तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।